Hello friends, welcome again at Project Education. Friends, आज अपन सीखने जा रहे हैं quadratic polynomial के 6 graph, काफी important है, mains में इससे related questions काफी बार आ चुके हैं, ठीक है, advanced के according भी important है, mains के according भी important है, और quadratic के according भी important है, graph की हेल्प से अपन बड़े बड़े क्वेश्चन काफी आसानी से कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ग्राफ कैसे निकालते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होती है, आओ डिस्कस करें. लेट्स सी फ्रेंड्स, सबसे पहले 6 ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये अपना हेडिंग है, ठीक है. अब पॉलीनोमियल क्या होता है आपको पता होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की डेफिनेशन है. ए अगर जीरो होता तो ये क्वाड्रेटिक रहती ही नहीं, ये लीनियर बन जाती, इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा और ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर रहेंगे. फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. देखिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इस पे फोकस करें, आपको दो चीजें सीखनी पड़ेगी, ए एंड डी. ए पे फोकस करते हैं, ये पैराबोला है, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है इसका जो कर्व बनता है वो पैराबोलिक बनता है, ऐसा बनता है, आप सबको पता होगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा. अब ये कब बनेगा एंड ये कब बनेगा, देखो ये ए पे फोकस करो, ये ए वाला, ये सब कुछ डिपेंड करता है ए पे. अगर पैराबोला अपवर्ड है, ये पैराबोला का माउथ क्या है, अपवर्ड, एंड इस पैराबोला का माउथ क्या है, डाउनवर्ड, तो मैं ये कह सकता हूं ये पैराबोला का माउथ क्या है, डाउनवर्ड, ये पैराबोला का माउथ क्या है, अपवर्ड. तो जब अपवर्ड माउथ होता है पैराबोला का, तो ए क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रेटर देन जीरो, इसको रट ले, दिमाग में फिट कर ले, ए ग्रेटर देन जीरो होगा कब, जब पैराबोला का माउथ क्या होगा, अपवर्ड, ठीक है. पैराबोला का माउथ अपवर्ड होने पे फ्रेंड्स ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और पैराबोला का माउथ डाउनवर्ड होने पे फ्रेंड्स क्या होगा, ए लेस देन जीरो, क्या होगा, ए लेस देन जीरो. तो ए पे कंसंट्रेट करें, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, दो ही बातें होगी. अपवर्ड होगा तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, डाउनवर्ड होने पे ए क्या होगा, लेस देन जीरो होगा. फ्रेंड्स कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या, आगे बढ़ता हूं, हो गया होगा, याद कर लें, रट लें, समझ लें, ए ग्रेटर देन जीरो पैराबोला अपवर्ड, ए लेस देन जीरो पैराबोला डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है तो ए लेस देन जीरो, अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन जीरो, ए का कंसेप्ट क्लियर. आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स डी पे चलते हैं. डी क्या होता है, सबसे पहले डी होता है फ्रेंड्स डिस्क्रिमिनेंट. डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट. तो डी मैं लिख देता हूं क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डी को बोलते हैं अपन. और ये किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के इक्वल होता है, और ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स. तो अब डी पे खेलते हैं. डी पे खेलने से पहले कुछ चीजें सीखते हैं. एक चीज हमेशा दिमाग में रखें फ्रेंड्स, कि जब भी कोई कर्व होगा, कोई भी कर्व, और वो एक्स एक्सिस को जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करेगा, सुनना बात को, कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे. फिर बोल रहा हूं फ्रेंड्स, एक कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने ही रूट्स होंगे. तो फ्रेंड्स इस कर्व के कितने रूट्स है, देखो कितने पॉइंट पे कट करा, 1 2 3, कितने रूट्स है, 3 रूट्स. इसको देखें कितने पे कट करा, 1 2 2 पॉइंट्स पे, तो यहां पे कितने रूट्स हो गए, 2. ये क्या करा, कहीं कट करा क्या, कहीं कट नहीं करा. इससे पहले ये देख लेते हैं, ये कितनी जगह कट करा, सिंगल पॉइंट्स पे, तो 1 रूट. ये देखो ये कहीं कट करा क्या, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करा, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे ही नहीं. रूट्स क्या होंगे ही नहीं, रूट्स नहीं होंगे तो कैसे होंगे, फिर इमेजनरी रूट्स होंगे. कैसे रूट्स होंगे फ्रेंड, इमेजनरी रूट्स होंगे. रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी. फ्रेंड समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, कि कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करेगा उतने ही रूट्स होंगे. तो यहां रूट्स कितने होंगे, 3, यहां कितने होंगे, 2, यहां कितना होगा, 1, यहां क्या होगा, कुछ नहीं होगा. अब मैं इन तीन पे फोकस करता हूं, ये तीन कर्व, क्योंकि ये मेरे पैराबोला है और ये क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को. तो फ्रेंड्स इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में टू रूट्स है, दोनों के दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट भी है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो रियल वैल्यू मिलती है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हुए फ्रेंड्स. तो डी कैसा होगा, तो ऐसी पोजीशन में जब कर्व दो जगह अलग अलग जगह कट करता है, तो डी क्या होगा फ्रेंड्स, ग्रेटर देन जीरो होगा. डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो. फ्रेंड्स इस पे बात करते हैं, इसको केवल टच करा तो रूट्स एक होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक का नियम है, क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स होंगे, हमेशा टू रूट्स होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, टू रूट्स होने ही पड़ेंगे. तो टू रूट्स होंगे तो फिर रूट्स कैसे होंगे, यहां पे तो सिंगल जगह टच करा, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल. तो ये टू रूट्स होंगे, लेकिन टू रूट्स क्या होंगे, इक्वल टू रूट्स. कैसे रूट्स होंगे, इक्वल टू रूट्स मिलेंगे मेरे को.
रूट्स तो ही मिलेंगे लेकिन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे तो डी कैसा होगा, डी इक्वल टू जीरो होगा। तो जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा तो डी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। डी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, यहां देखो ये जो पैराबोला है ये क्या है, एक्स एक्सिस से अबोव है, ऊपर कट नहीं करा, तो रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी। इमेजनरी है तो डी कैसा होगा, डी लेस देन जीरो होगा, तभी तो इमेजनरी रूट्स आएंगे। डी क्या होगा, लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो पे रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, इस कंडीशन में डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। यहां डी लेस देन जीरो, यहां डी इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स ये कंसेप्ट क्लियर, तो डी का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबके, एंड ए का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। पैराबोला अपवर्ड है तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। पैराबोला डाउनवर्ड है तो ए क्या होगा, लेस देन जीरो। फ्रेंड्स आगे सिक्स कर्व पे चलते हैं, अगर ए एंड डी आपने सीख लिया तो आपने ग्राफ बनाने और उसको समझने का तरीका भी सीख लिया। फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ। ठीक है, देखिए फर्स्ट कर्व को देखिए आप, ये वाला कर्व है, ये इसका रूट्स है अल्फा, ये सेकंड पे कट किया, इस रूट्स को बोल दिया अपन ने बीटा। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अपना ग्राफ है। अब देखो इसको देख के ग्राफ को आपको क्या फीलिंग आती है, आपको फीलिंग आती है ए कैसा होगा, ए कैसा होगा। फ्रेंड जल्दी बताइए ए कैसा होगा, ए कैसा होगा, जब कर्व पैराबोला कैसा है, अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला कैसा है, अपवर्ड, तो ए कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, ए होगा ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। सेकंड कितनी जगह कट करा, टू पॉइंट्स पे, कितने पॉइंट्स पे कट करा, टू पॉइंट्स पे। डी कैसा होगा, डी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो। तो ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी भी ग्रेटर देन जीरो। आगे बढ़े फ्रेंड्स, अब बात करते हैं किसकी, अब ये कर्व किसका था, कर्व था वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो ये जो कर्व है किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को, क्योंकि एक्स इनपुट देने पे आउटपुट क्या आता है, वाई। तो कर्व वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे वाई के पता करना है, वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है अपनी, इस एक्स एक्सिस के ऊपर, इस साइड में, इस एक्स एक्सिस से ऊपर वाई क्या होता है, पॉजिटिव। इस एक्स एक्सिस से नीचे वाई क्या होता है, नेगेटिव। एक्स एक्सिस से नीचे वाई नेगेटिव, एक्स एक्सिस से ऊपर वाई पॉजिटिव, इससे ऊपर पॉजिटिव, इससे नीचे नेगेटिव। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स लेस देन अल्फा, एक्स की वैल्यू अल्फा से लेस हो, इधर हो। तो इस साइड में देखें, इधर जाऊंगा तो मुझे कर्व कहां मिल रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा, वाई क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। फ्रेंड्स यहां देखो, ये बीटा से इधर जाता हूं मैं, बीटा से इधर, जब बीटा से मैं इधर जाता हूं, इस साइड में मूव करता हूं, तो मुझे कर्व किधर मिल रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स इज ग्रेटर देन बीटा, देन मुझे वाई कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अब फ्रेंड्स अगर मैं ये बोलूं कि अल्फा से ग्रेटर है एक्स, लेस देन है बीटा से, ध्यान से देखना आप, ये अल्फा से बीटा के बीच में मैं अगर मूव करता हूं, इसके बीच में अगर मैं मूव करता हूं, तो मुझे कर्व कहां मिलेगा, वाई एक्सिस से नीचे, मतलब वाई क्या है, लेस देन जीरो। तो फ्रेंड्स मैं यहां क्या लिखूंगा, वाई लेस देन जीरो। क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, वाई लेस देन जीरो। तो फ्रेंड्स पूरी कहानी समझ में आई। तो आपको तीन काम करना है, क्या, ए का पता करना है, डी का पता करना है, और वाई का पता करना है। वाई पता करना है कि कैसा होगा, ए पता करना है कैसा होगा, डी कैसा होगा। तो आप ग्राफ को देख के सब चीजें लिख सकते हैं, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सेकंड, सेकंड और फर्स्ट में बहुत सिमिलरिटी है, बस कर्व उल्टा हो गया, बाकी सब सेम है एक तरीके से। तो फर्स्ट अगर आपने सीख लिया तो सेकंड आप कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो पैराबोला कैसा है, देखो ध्यान से, पैराबोला डाउनवर्ड है, पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड है तो ए क्या होगा फ्रेंड्स, डाउनवर्ड में लेस देन जीरो। कितनी जगह कट मारा, अल्फा एंड बीटा, कितनी जगह कट मारा, अल्फा बीटा, टू पॉइंट्स पे। तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। अब अगर मैं एक्स लेस देन अल्फा लेता हूं, देखना आप, इधर जाता हूं मैं अल्फा से इधर, तो कर्व किधर है, नीचे, तो वाई क्या होगा, लेस देन जीरो। फ्रेंड्स मैं बीटा की इधर जाता हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, एक्स क्या है, ग्रेटर देन बीटा, तो मुझे वाई क्या मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन बीटा पे, नीचे है कर्व, लेस देन जीरो। अब मैं कहता हूं फ्रेंड्स मैं अल्फा और बीटा के बीच में वेरी करता हूं, तो अल्फा से ग्रेटर है एक्स, लेस देन है बीटा, तो फ्रेंड्स वाई कैसा मिलेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी वाई कैसा होगा, पॉजिटिव। वाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो फ्रेंड्स देखो कितनी आसानी से आप सबने ये चीजें लिख ली। आगे बढ़े थर्ड पॉइंट पे, तो कर्व नंबर थर्ड, यहां पे नंबर थर्ड कर्व पे बढ़े, ये वाला। तो फ्रेंड्स इस कर्व में देखो आप, टच करा इसको, एक्स इजिकल टू क्या है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, एक्स इजिकल टू है अपने पास अल्फा, एक्स इजिकल टू क्या है, अल्फा, टच करा है। यहां पे देखो पैराबोला कैसा है, अपने को तीन बातें करनी है, ए लिखना है, डी लिखना है, एंड वाई लिखना है। ए कैसा होगा, कर्व कैसा है, अपवर्ड, तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। पैराबोला क्या करा, एक्स एक्सिस को टच करा, तो डी क्या होगा, रूट्स इक्वल होंगे, डी क्या होगा, इक्वल टू जीरो, इक्वल रूट्स होंगे, डी इक्वल टू जीरो।
अब वाई की बात करें तो फ्रेंड्स मुझे बताओ वाई कैसा है। देखो पूरा कर्व है जो एक्स एक्सिस से ऊपर है, ये एक्स एक्सिस है, कर्व हमेशा इससे क्या ऊपर, तो वाई ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन जहां जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां वाई क्या हो रहा है, इक्वल टू जीरो हो रहा है। सुनना फ्रेंड्स ध्यान से, ये वाई एक्सिस से ऊपर है कर्व हमेशा, तो मतलब y क्या है ग्रेटर देन जीरो, टच कर रहा है वहां पे y क्या है इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किसके लिए, फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R, मतलब सारे रियल नंबर्स पे y क्या मिलेगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। सारे x एलिमेंट ऑफ R मतलब सारे रियल नंबर्स पे y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चले फ्रेंड्स क्लियर, आगे बढ़े। नंबर फोर्थ कर्व, सेम कर्व है, अगर आपने थर्ड समझ लिया तो ये भी हो गया। देखो पैराबोला कैसा है डाउनवर्ड, तो ए कैसा होगा लेस देन जीरो होगा। फ्रेंड्स डी कैसा होगा, डी इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि पैराबोला टच कर रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे इक्वल, तो डी इक्वल टू जीरो। वाई की बात करें फ्रेंड्स तो हमेशा कर्व देखो एक्स एक्सिस से नीचे है, तो वाई क्या होगा लेस देन जीरो होगा, वो जहां टच कर रहा है वहां क्या होगा इक्वल टू जीरो होगा, किसके लिए फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए, सारे रियल नंबर्स पर। तो कितना आसान है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नंबर फाइव यहां पे आते हैं, नंबर फाइव पे आते हैं फ्रेंड्स। तो देखो ये वाला कर्व आ गया अपने पास नंबर फाइव पे, ठीक है। तो नंबर फाइव पे देखिए आप, कर्व क्या बोल रहा है अपने को, कर्व कह रहा है कि मैं अपवर्ड हूं। कर्व कैसा है अपवर्ड, तो अपवर्ड होगा तो ए क्या होगा फ्रेंड्स लेस देन एक ग्रेटर देन जीरो, सॉरी अपवर्ड में ए क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो। डी कैसा होगा फ्रेंड्स, कर्व ने कितने पॉइंट्स पे कट किया, कोई पॉइंट्स पे नहीं, इसका मतलब डी कैसा होगा, डी लेस देन जीरो होगा फ्रेंड्स। डी कैसा होगा लेस देन जीरो होगा। अब बात करें वाई की, तो सोचिए वाई कैसा होगा, कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से क्या है, कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से क्या है ऊपर, कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से क्या है ऊपर, तो वाई क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, किसके लिए फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए, मतलब सारे रियल नंबर्स पे कर्व हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो आगे बढ़े फ्रेंड्स, बहुत ही आसान, तो ये तो और भी आसान हो गया आपके। अब इसमें देखो आप सेम है, जैसे अगर फाइव आपने सीख लिया तो सिक्स भी सीख लिया, कैसे कर्व कैसा है फ्रेंड्स डाउनवर्ड है, तो ए कैसा रहेगा लेस देन जीरो रहेगा। डी कैसा रहेगा फ्रेंड्स, कितने पॉइंट्स पे कट किया, बिल्कुल नहीं किया, तो मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो डी कैसा होगा लेस देन जीरो होगा। कर्व कैसा है हमेशा वाई एक्सिस से नीचे है, हमेशा वाई एक्सिस से नीचे है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, सॉरी कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे, सॉरी एक्स एक्सिस से नीचे है, तो हमेशा y क्या होगा, हमेशा y होगा लेस देन जीरो, किसके लिए फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R, यानी सारे रियल नंबर्स पे y क्या होगा फ्रेंड्स लेस देन जीरो होगा। y क्या होगा लेस देन जीरो फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R। तो फ्रेंड्स ये समझ में आया आपको, तो ये सिक्स कर्व थे और इनकी कंडीशंस थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब इनके क्वेश्चन आंसर का सेशन का वीडियो नेक्स्ट आने वाला है बहुत जल्द, तो उसको भी आप देखें। थैंक यू वेरी मच एट प्रोजेक्ट एजुकेशन।